अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि होंडा सिटी 2020 जो कि जल्द पाकिस्तान में लॉन्च होगी तो बात करते हैं अगर होंडा सिटी की तो होंडा सिटी की फाइव जनरेशन जो कि 2009 से लेके 2020 तक अब यही जनरेशन आ रही है सिक्स जनरेशन आपको पाकिस्तान में नहीं दी गई और जल्दी सेवन जनरेशन के साथ न्यू शेप आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो इस गाड़ी का आज आपको फुल रिव्यू देंगे कि इस गाड़ी में कौन कौन से ऐसे फीचर है जो आपको पहले होंडा सिटी में नहीं मिलते थे और तो वीडियो एंड तक दिखेगा इसकी प्राइस और इसकी स्पेक्स सारी मैं आपको बताऊंगा बात करते हैं इस गाड़ी की तो यह डायनामिक स्टाइल की गाड़ी दी गई है बैक लाइट्स की बात करें तो आपको एलईडी लाइट्स दी गई हैं और बैक बम्पर की बात करें तो स्पोर्टी लुक आपको बम्पर दिया गया है और साइड से आप देख सकते हैं जो कि लाइन जा रही है गाड़ी के बैक से लेके फ्रंट तक जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है और इस गाड़ी की अगर वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको वन पॉइंट और टर्बो वेरिएंट भी इस गाड़ी में आपको मिलेगा टर्बो में आपको फ्रंट ग्रिल ब्लैक में मिलेगी और आप लाइट्स की बात करें तो एलईडी लाइट्स आपको मिलेंगी और प्रोजेक्टर लैंप्स के साथ और अगर सिंपल होंडा सिटी की बात करें तो फ्रंट की लुक इसकी बिल्कुल होंडा सिवे की तरह लगती है और बाकी अगर गाड़ी की ओवरऑल लुक की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत लुक आपको देती है और इसके वेरिएंट की बात करें तो 1.3 में और 1.5 बेसिक वेरिएंट में आपको व्हील्स कप मिलेंगे जबकि 1.5 पॉइंट और 1.3 पॉइंट एस्पायर में आपको मिलेंगे और बाकी इस गाड़ी के टेक्नोलॉजी की बात करें तो आईवी टेक इंजन आपको इसमें मिलेगा और प्लास्मेटिक वेरिएंट में आपको सीवीटी ट्रांसमिशन मिलेगी बाकी अगर गाड़ी की लुक की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत गाड़ी दी गई है और अगर हम इसके टर्बो की बात करें तो 1.0 इंजन के साथ आपको मिलेगी फ्रंट पे आपको ग्रिल ब्लैक में मिलेगी और इसके अलाय रिम्स भी आपको बेसिक वेरिएंट से चेंज मिलेंगे और टर्बो की बात करें तो इसकी प्राइस ट्वेंटी लैख से स्टार्ट होगी और इस गाड़ी की लुक देखें तो बाकी बिल्कुल सेम है अलाय रिम्स और फ्रंट की ग्रिल और फ्रंट की लाइट्स आपको इसमें चेंज मिलेगी अगर इसकी इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर इसमें टर्बो वेरिएंट में आपको ब्लैक मिलेगा और लेदर सीट्स के साथ मिलेगी और नेविगेशन इसमें स्टाल मिलेगा और सिल्वर का टच जो कि आपको डैशबोर्ड के एयरविंट्स में मिल रहा है और स्टेरिंग में मिल रहा है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और अगर बात करें सिंपल होंडा सिटी थ्री 1.3 फाइव की तो इसकी फ्रंट ग्रिल आपको में, मिलेगी और में मिलेंगी और प्रोजेक्टर लैंप के साथ और बाकी अगर इसके इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर इसका आपको क्रीम कलर में मिलेगा और अंदर आप सिटिंग केबन की बात करें तो थ्री परसेंट बैक पे कंफर्टेबल बैठ सकते हैं और टू फ्रंट पे बैठ सकते हैं और अगर हम बात करें इसके फीचर्स की तो यारेस और इसके फ़ीचर्स बिल्कुल सेम है हुनडा सिटी में आपको एस आर एस टू एयर बैग्स मिलेंगे और बाकी आप देख सकते हैं नेविगेशन आपको स्पायर में मिलेगा और सिंपल बेसिक वेरिएंट में आपको सिंपल टेप मिलेगा यूएसबी और बी सपोर्टेड और बाकी आपको आ, इंटीरियर की बात करें तो टू टोन कलर में इसका इंटीरियर मिलेगा जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रहे हैं और क्लाइमेट कंट्रोल आपको टच बटन के साथ मिलेगा जिस तरह की यार इसका का है बिल्कुल सेम इसके फीचर्स हैं और अगर इस गाड़ी की प्राइस की बात करें तो स्टार्टिंग इस प्राइस इसकी ट्वेंटी सिक्स से स्टार्ट होगी और ये ट्वेंटी नाइन लैख तक आपको मिलेगा इसका टॉप ऑफ द तो लाइन वेरियंट जो कि स्पायर है वन पॉइंट फाइव और बाकी अगर इस गाड़ी की लुक की बात करें तो फ्रंट से ये बिल्कुल होन्ड सिवे की तरह लुक देती है और आप एटलेस होंडा इस गाड़ी को दिसंबर 2020 में लॉन्च करने जा रही है और जहां तक जहां जहाँ तक इस गाड़ी की बात तो पाकिस्तानी आवाम को बहुत इंतज़ार है कि यारे सब आ चुकी है तो होंडा सिटी अपना न्यू मॉडल कब मुतारफ़ करवा रही है तो इन दोनों की मार्केट वैल्यू और इन दोनों का मुकाबला कैसा रहेगा तो जल्द ही इन एटलेस होंडा इसे लॉन्च करने वाला है फीचर्स दोनों गाड़ियों के सेम है वन और वन आपको की स्टार्ट मिलेंगी कीलेट्री के साथ के टर्बो आपको पुश स्टार्ट मिलेगा तो फ्रेंड्स आज का ये रिव्यू था तो इनशाला नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिएगा तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें तो इसके साथ जुलकर नैन को इजाजत अल्लाह हाफिज बाय बाय